तलवार, आई कैन सी, ओके नाउ आई कैन सी योर फेस, अदरवाइज आई वाज सीइंग द सीलिंग. All right, let's give 2 more minutes and then we'll start with the workshop, all right? Let's wait for some more children to join in. Ayush, camera on, beta. Good. Garvita, come camera on. Okay. Shubhranshu, camera on. These are people I know who turn their camera on. But aaj kyun nahi kar rahe, I don't know. Shubhranshu, camera on, beta. All right. So good afternoon, everyone. How are you all? We are fine. We are fine, ma'am. How are you? Meeting you after a very long time, right? So, exams kaise gaye? Ma'am, very good. I'm very good. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, beta. वेरी अच्छे गए एग्जाम, तो और भी अच्छी बात है क्योंकि नवरात्रे शुरू हो रहे गए. यस मैम. एग्जाम्स खत्म, राइट, ऑटम वेकेशन आने वाला है, और क्या चाहिए, राइट? सो यस मैम, हैव यू मेड एनी प्लान्स फॉर योर ऑटम वेकेशन? मैम यस यस. हु हैज मेड प्लान? Kritika muskura rahi hai. Kritika, what are your plans on this vacation, autumn vacation? Ma'am, main isliye muskura rahi thi kyunki mera plan hi nahi bana, kuch nahi bana abhi. Oh, koi ma'am, abhi to ma'am November ka hai ki November mein school khulenge, to wohi bahut achhi planning ka ki school jana hai hame abhi. Oh, all right, very good. So you're happy. You're happy about it, right? Yes, ma'am. Good for you. And now tell me, कौन सा पेपर सबसे अच्छा गया? मैम SSC. SSC. Oh my God. सबसे मुश्किल सब्जेक्ट. मैम SSC. Science. SSC. मैम हिंदी. मैम मेरे SSC. मैम all. सभी अच्छे गए. मैम all. All. Very good. मैम all. Great. So सारे सब्जेक्ट अच्छे गए क्योंकि सारे ने मेहनत की थी. Yes or no? आप टेंशन भी नहीं रहेगी क्योंकि मार्क्स भी अच्छे आएंगे, पीटीएम में भी अच्छे सुनने को मिलेंगे, पेरेंट्स भी खुश और वेकेशन भी मजे से बिता पाएंगे. सो दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ प्रिपेयरिंग एंड डूइंग योर एग्जाम्स वेल. नाउ टेल मी वन थिंग चिल्ड्रन, व्हाट वाज द लास्ट टॉपिक वी डिड? मैम डाइनिंग एटिकेट. ये तुम तो सो गए थे बेटा. दैट मीन डीलिंग विद बुलीज. वो तुम भी सो गए थे मैम. मे आई? या मैम, टू ओवरकम द फियर ऑफ रिजेक्शन. थैंक यू वंशिका, मुझे पता था तुम्हें पता है. सो ओवरकमिंग द फियर ऑफ रिजेक्शन, मैंने KFC के बारे में कहानी नहीं बताया था? मैम बताई थी. यस मैम बताई थी. भूल गए, मुझे पता है. लास्ट क्लास में आयुषी ने वो क्या बोलते हैं ये एक स्टोरी सुनाई थी. आई फॉरगॉट द बन्नी की कहानी बताई थी. हाँ. या सो आई रिमेम्बर एवरीथिंग. मेरे से तो बुरे नहीं हो ना आप लोग, याद रखना चाहिए. राइट, सो वी डिड ओवरकमिंग द फ्रीडम फ्रॉम द फियर ऑफ रिजेक्शन. सो रिजेक्शन सभी के जिंदगी में होता है, चाहे कोई भी हो, किसी ना किसी को कभी ना कभी रिजेक्शन मिला ही होता है. सो नो मैटर रिजेक्शन मिले या ना मिले, इंसान को हमेशा कोशिश करते ही रहना चाहिए. रिजेक्शन तब हो जाता है जब हम हार मान जाते हैं और हम बोलते हैं हमसे ना हो पाएगा. अगर ये बोल दिया इसका मतलब है सही में रिजेक्शन हुआ, पर फेलियर तो आते जाते रहते हैं और यही फेलियर जब मेहनत करते हैं यही फेलियर को हम सक्सेस में भी
कन्वर्ट करते हैं। तो जिंदगी में रिजेक्शन से कभी हमें हार नहीं माननी चाहिए। सो व्हाट आई विल डू बिफोर आई स्टार्ट द वर्कशॉप, मेरे पास एक अमेजिंग वीडियो है, इसके लिरिक्स सुनो। इट्स अ पोएट्री एंड इट्स अ वेरी नाइस वन। ओके मैम। कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैम यू आर म्यूटेड। सो हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव गॉन अहेड एंड हर्ड दिस पोएम? मैम आई। मैम मी। Right. Most of us have gone ahead and heard this poem, right? So this is such a beautiful poem which talks about that if you work and you're determined, then you will always succeed in life. Now tell me, ये जो आवाज थी poet, जो poet अमिताभ बच्चन जी, और अमिताभ बच्चन का वॉइस कौन नहीं पहचानता, बिकॉज इट इज वन ऑफ द बेस्ट वॉइस। यस और नो? यस मैम। बट अमिताभ बच्चन आल्सो फेस्ड हिज फर्स्ट रिजेक्शन। कोई बता सकता है अमिताभ बच्चन क्या बनना चाहता था? कवि। ओह माय गॉड, नहीं यार, एक्टर नहीं, एक्टर तो वो है। या तेजल मैम, जो रेडियो में सॉन्ग्स आते हैं। या आर इज फॉर रेडियो, जे इज फॉर जॉकी, सो रेडियो की बनना चाहते, राइट? मैम ने ऑल इंडिया रेडियो में रिजेक्ट करा था। Exactly, he went for this All India Radio में interview के लिए गए थे वो, और जब वो interview देने के लिए गए थे, उसका turn ही नहीं आया, उसे बुला भी नहीं रहे थे, and he was so upset and sad कि मेरा turn भी नहीं आया, तो इसने पूछा, why has my turn not come as yet? And the person says that your voice is not suitable and is not good enough for any kind of a voice program. Now tell me, aaj kaun banega crorepati mein, kaun host hai? Amitabh Bachchan. Aur he is the host in Kaun Banega Crorepati kyunki he has a very good voice. Acting zyada nahi karni padti, par voice bahut
अच्छा है. दैट्स व्हाई ही इज द होस्ट ऑफ कौन बनेगा करोड़पति. बट जो वॉइस रिजेक्ट हो गया एक टाइम, आज सारे उसके वॉइस के फैन हैं, राइट. सो सी द डिफरेंस. That rejection does not mean rejection until and unless we give up. Now tell me, who is the world's best cricketer? MS Dhoni, Virat Kohli. I'm Virat Kohli. Sachin Tendulkar. Thank you very much. Sachin Tendulkar. उनके ऊपर तो एक मूवी भी बनी थी जिसमें उनका पूरा लाइफ का दिया हुआ था, लाइफ स्टोरी दी. राइट, एग्जैक्टली. तो सचिन तेंदुलकर फर्स्ट रिजेक्शन वाज दैट ही वांटेड टू बी इन द क्रिकेट टीम बट ही वांटेड टू बी अ, क्या बनना चाहते होंगे अगर क्रिकेटर नहीं बनना चाहते हो? राइट, ही वांटेड टू बी अ फास्ट स्पिन बॉलर बट He was rejected, he saying, ये बॉलिंग कर नहीं पाएगा. But Sachin Tendulkar did not give up. उसने हार नहीं मानी. He said, I will stay in the same field and I'll prove to people that I can be the best. And he started practicing cricket. और क्रिकेट में जब सचिन तेंदुलकर first time स्टूडियो में आया था, स्टेडियम में खेलने के लिए, सारे ने बोला, अरे ये ना छोटा बच्चा बैट भी नहीं उठा पा रहा है, वो बैट्समैन कैसे बन गया, और सारे उसके मजाक उड़ाने लग गए. पर उसने क्या प्रूव करा? He can be the best. People started telling, बैट नहीं उठा पा रहा है, चौके के थोड़े मार पाएगा. पर इसने फर्स्ट मैच में ही प्रूव्ड दैट हाइट डजंट मैटर, can still be the best. Okay, now tell me, how many people like Harry Potter? Ma'am. Right, there's so many children who are fan of Harry Potter, right? So do you know who wrote Harry Potter? J.K. Rowling. Right. So J.K. Rowling wrote Harry Potter. And when she had struggled a lot in her life. She separated from her husband. Then she had a daughter she needed to take care of. They were very poor. They went through a lot of bad phase in their life. And then she started writing. When she started writing, her books were rejected. What happened? Kritika? Are you okay? Kritika, are you okay, beta? Yes, ma'am, I'm okay. Kya hua? Dard hua ya chuha dekh liya? Ma'am, dard hua. Okay. If you want to get up and stretch your body, you can stretch that. Thoda sa relaxation mil jayega. Stand up and stretch your body a little. This side, that side, like that. Do a little of stretching like this to see everything is fine. Okay. So J.K. Rowling, you're fine, beta? Okay. So J.K. Rowling was like, she started writing and that book was rejected by 11 to 12 publishers. And then it was published, you know? So everyone goes through rejection. But एक ही चीज नहीं करना है जिंदगी में, इस हार खाना. जिस दिन हम हार मान जाते हैं, हम सच्ची में हार जाते हैं. पर जब तक रगों में, जो अमिताभ बच्चन ने बोला, साहस है, और जब तक हम, you know, we don't give up, we will always be able to succeed in whatever we want to do. A lot of times I know children, बच्चे कैसे होते हैं,
दो तरीके के बच्चे होते हैं, एक बच्चा जो रिजेक्ट हो गया और बोलता है अरे यार मैम ना मैम की फेवरेट स्टूडेंट है इसीलिए मुझे रिजेक्ट कर दिया और उसे सिलेक्ट कर दिया, मैम तो कभी भी मुझे नहीं लेती, अरे मुझे रिजेक्ट हो गई क्योंकि ना मेरा एक्चुअली आज गले में दर्द था, मेरे टांग में दर्द था। तो हम हमेशा किसी ना किसी और चीज पे ब्लेम कर देते हैं, तो दैट इज नॉट अ गुड थिंग। रिजेक्शन इज जब तुम हार मानो और एक्सेप्ट करो कि मेरे वजह से ये रिजेक्शन मैंने फेस किया है, दैट इज वेरी वेरी important because that is when you realize your mistake and you start working on it. Very very important in life. Okay, now tell me, is rejection good or is rejection bad? Ma'am good. Ma'am it's good. Ma'am it is good. All right, and why do you think rejection is good? मैम क्योंकि जो लोग ऐसे होते हैं कि कोशिश नहीं करते और अगर वो रिजेक्ट हो जाते हैं तो फिर वो बाद में सोचते हैं तो रिजेक्ट हो गया। कृतिका इज टॉकिंग, लेट्स कृतिका टॉक एंड वन बाय वन। या ओके मैम, मैं ये कह रही थी कि कुछ लोग होते हैं जो मतलब अगर एक बार रिजेक्ट हो जाते हैं तो वो सोचते हैं यार हम तो रिजेक्ट हो गए तो आगे भी क्या पता हम रिजेक्ट हो जाए, तो मैम वो फ्यूचर का पहले ही अपने दिमाग में रख लेते कि हम रिजेक्ट हो जाएंगे, तो मैम वो कोशिश ही नहीं करते। तो उनके लिए एक बार रिजेक्ट होना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें समझ आएगा कि एक बार दोबारा कोशिश करें तो क्या पता हम एक्सेप्ट हो जाएं। ओके व्हाई इज रिजेक्शन? या दिया मैम, अगर मतलब अगर हमें हमेशा ही बुरे मतलब अगर हमें हमेशा ही अच्छा अच्छा मिलेगा तो हम रिजेक्शन की वही समझेंगे कि उसके साथ बुरा ही, हम सोचेंगे कि छोड़ो हमें क्या करना, और अगर हम भी फेस करेंगे कुछ रिजेक्शन तो हमें भी उसकी अहमियत पता चलेगी। मैम मे आई? या दिया वाज टॉकिंग, आई डिडंट हियर दिया स्पीक। या दिया? यस मैम, मैंने कहा कि अगर हमें हमेशा अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी तो हमें मतलब दूसरों को अगर रिजेक्शन मिल रहा है तो हम सोचेंगे अरे इसको तो मिलने दो, और अगर हमें हमें रिजेक्शन की अहमियत नहीं पता चलेगी फिर उससे अगर हमें हमेशा ही अच्छी चीजें। वेरी गुड पॉइंट। जिंदगी में अगर खाली खुशी 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 मिलती जाए तो हमें वो खुशी का वैल्यू ही नहीं होगा, पर अगर खुशी के साथ हमारे को गम का एहसास है तो हम खुशी को और अप्रिशिएट करेंगे। यस और नो? यस मैम। यस गुड पॉइंट दिया तेजल। तो मैम फिर जब हमारे साथ कुछ जब एक बार रिजेक्ट हो जाता है ना, नो कृतिका नॉट योर टर्न, हमारा टर्न खत्म। तेजल मैम, वी आल्सो लर्न न्यू थिंग्स फ्रॉम रिजेक्शन। वी वेरी गुड तेजल, वी हैव वेरी गुड पॉइंट, वी लर्न न्यू थिंग्स, वी गैदर न्यू एक्सपीरियंसेस। थैंक यू। Yeah, it is one stepping stone towards success. Very good. Alankrita? मैम अगर हम रिजेक्ट होंगे तो हमें पता चलेगा हमने क्या गलती की थी, हमारे में क्या कमी थी, तो हम उसे अगले दिन फिर उसे नहीं करेंगे तो हम उससे पास हो जाएंगे, सक्सेस हो जाएंगे। थैंक यू। सो इट हैज हमेशा रिजेक्शन के साथ एक लेसन भी हम लर्न करते हैं। वेरी गुड पॉइंट। या आयुषी? यस, गॉड गिव्स अस दीस फेलियर्स टू अस सो दैट वी कैन मेक आवरसेल्व्स स्ट्रांग टू फाइट विद मेनी सिचुएशंस। थैंक यू वेरी मच। राइट, सो वी गेट रिजेक्शंस इन आवर लाइफ, इट शुड नॉट मेक अस वीक, इट शुड नॉट मेक अस फील अरे हमें कुछ नहीं आता। इट शुड गिव यू द स्ट्रेंथ, इट शुड गिव यू द पावर टू कंटिन्यू एंड कीप गोइंग। इट शुड मेक अ पर्सन बेटर एंड नॉट वर्स। वेरी गुड आंसर्स गिवन बाय ऑल द पीपल हु हैव गिवन द आंसर्स। नाउ आई हैव अ फनी वीडियो, इट इज एन इंटरेस्टिंग वन एंड यू हैव समथिंग टू लर्न फ्रॉम दिस वीडियो। ओके सो सी दिस वीडियो। I hope you can see it, right? Yes, ma'am, we can see. Perfect.
The most hard working seven letter word is success, nay? To get success, tremendous hard work is needed. Tremendous determination is needed. Tremendous patience is needed. Tremendous knowledge is needed. और आजकल के लड़कों को तो वो knowledge भी नहीं होता है. एक स्कूल में एक टीचर ने, हिस्ट्री टीचर ने एक लड़के से पूछा, बेटा इन विच बैटल डिड टीपू सुल्तान डाई? द गाय सेड इन हिज लास्ट बैटल. इडियट. उसको पूछा, वेयर इट वॉज द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस साइड? एट द बॉटम ऑफ द पेज. When was Gandhi ji born? On his birthday. In which state does Ganga flow? Liquid state. You know, if you have 6 mangoes and you have to distribute among 20 people, how will you do it? I'll make mango milkshake. Aur sabko thoda thoda de bol rahe. Success. You need to have a lot of patience, and we will fail. When you want to achieve success in your career, in your academics, in your business, in your profession, we will fail. And that's the example of the giraffe. When the baby giraffe is born, falls from such a high distance straight on the ground, the mother positions herself right above the baby giraffe. And guess what she does first? Gives it a hard kick. बच्चे का जन्म होता है और माँ आके खाट से लात मारती है. तो बच्चा समझता नहीं, अभी तो आया है जिंदगी में, मतलब लात मार रही है, कौन लात मारा, लात का मतलब क्या है मालूम नहीं उसको. अचानक एक झटका मिलता है उसको. सो एज इट जस्ट कमिंग आउट ऑफ दैट इम्पैक्ट, झटका, द मदर गिव्स अ बैड सेकंड हार्डर किक. नाउ द गाय अंडरस्टैंड्स, अगर मैं कुछ किया नहीं तो ये चलता रहेगा सिलसिला. सो दिस बेबी जिराफ स्टार्ट्स गेटिंग अप ऑन इट्स वॉबली लेग्स, यू नो, on its wobbly legs. And as the baby giraffe gets up on the wobbly leg, thoda khada hoke, khada hona sikha na, pad ek aur laat marti hai ma. Phir gir ke, he gets up and starts running. And then the mother giraffe goes, hugs the baby and starts kissing the baby. You know why? Because the baby giraffe's flesh is very soft and supple, and hyenas and lions love it. The mother knows that I can't be with the baby giraffe all the time, I have to go and get food for the baby. How would I protect it? इसलिए पहले ही एक ऐसी लात मारो कि ये उठना सीखे, और फिर जैसे थोड़ा उठा ना तो एक और लात मारो तो याद रहे और फिर उठना सीखे. जिंदगी भी माँ मदर जिराफ जैसी है, कई बार लात मारती है. We fail, we should get up, and we'll fail again. We should get up, and like I always say, don't just go through life, grow through life. So is it a good video? Yes, ma'am. Yes, ma'am. And it has And it has a good learning, right? So, जिंदगी में हम कभी कभी हम सोचते काश हमारे पेरेंट्स ना ऐसे नहीं होते, काश मेरे पेरेंट्स आयुषी के पेरेंट्स जैसे होते. का आयुषी बोलते क्या मेरे पेरेंट्स अलंकृता का पेरेंट्स जैसे होते. अलंकृता के पेरेंट्स सोच रही है मेरी पेरेंट्स काश डॉली के पेरेंट्स जैसे होती. डॉली के पेरेंट्स डॉली सोच रहे हैं मेरे पेरेंट्स सुहाना पेरेंट्स जैसे होती, राइट? सो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट इन लाइफ दैट यू नो हमारी पेरेंट्स भी हमें कभी कभी जोर से ऐसे ही किक मारती है, राइट? Yes, ma'am. Hence, the reason we need to understand why do they give us a kick is because they also know that life is not as easy as it looks. There's a lot of tough times that we will face. Aur wo battle ladna koi aur nahi ladega tumhara battle, tumhe khud ladna padega. Because we don't know till when our parents will be with us or not, right? So that you become tough, you learn soon, and you become strong. That is the exact reason why your parents also goes ahead and acts like this mother giraffe. So, hamesha cheeze samajhne ki zarurat hai, right?
So this video clearly shows that it is very, rejection is okay. Rejection hona is okay. And then just say rejection ho jaye, how do you react? We get angry, right? We hum dusro ko ilzam dena lag jate. Phir we cry. Paise lekh nahi hui. Mujhe kisi se baat nahi karni. We close ourselves. Agar jo bhi cheez samne hai, ek marne ka man karta hai. Right? That is okay. Kyunki rejection milke koi ye to nahi karta na. Ye phir reject ho gaya yaar. Kaun karta hai? Kyunki sabhi ko select ho. पर जब भी रिजेक्शन आ जाए और हमारा इमोशन बहुत बैड हो, राइट, जैसे हम रिएक्ट करते हैं, रो पे जैसे भी करते हैं, वो करना भी जरूरी है, पर सेटल डाउन होना भी जरूरी है. रिएक्ट कर लिया, फिर से काम होके कंपोज्ड होके ये सोचना है कि मेरी गलती कहाँ पे हुई थी या मैंने कहाँ पे गलती की. And then we should learn from that mistakes. So the first way I already told you, how can we overcome rejection, is we can overcome rejection if we take it positively and we also learn from our mistakes. That are the two points. I want some of the points from you now. Ma'am, how can we face our rejection? I'm sorry? Ma'am, what is the question? How can you overcome rejection? What are the ways of handling rejection? Ma'am, do your favorite hobby, then you will get settled down. I'm sorry? Do your favorite hobby and then you get settled down what you like to do most. Okay, you can divert your attention to something nice, and then once you have diverted your attention, stay around people who are positive, right? That is one. Number two, yeah, Ayushi, that is the third point in fact. Ayushi, next one. Yes, ma'am, first of all, we should we should think about that what we have done the mistake, what you told. Aapne bataya ki hume apne mistake dhoondni chahiye. Usi mein ek aur add karna hai. Mistake dhoondne ke baad ye dekhna chahiye ki agar hum baar baar us work mein fail ho rahe hain, to ek baar ye bhi dekh lena chahiye ki kya aapko us work mein thodi si happiness ho rahi hai. Agar wo work aap matlab man se nahi kar rahe ho, sachche man se, to aap to usme fail ho hi jaoge. Exactly. Exactly. और बार बार एक ही चीज में रिजेक्ट हो रहे हो, तो ये देखना चाहिए कि ये आपकी इंटरेस्ट की चीज है या नहीं. ये सुनो, क्योंकि जो चीज हमें अच्छी लगती है, हम तो 100% भी नहीं, 110% दे देते हैं. ये सुनो. Yes, ma'am. और जो चीज पसंद नहीं है वो तो हम छूते ही नहीं है. ये सुनो. Yes, 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 ma'am. So, you should always do the things that you love. Kyunki jo cheez hame dil se pasand hoti hai, hum usme successful zarur hote hain. Ma'am, because we give our best. Ma'am, but hame na wo cheez bhi karni chahiye jisme hame. Ma'am, kabhi kabhar hum apna rejection accept nahi karte, to hame accept bhi karna chahiye. Thank you very much. Another, I'm coming to you, Kritika. Diya is very right. The first of all, very important point she raises, we should also accept ki main reject hui hu meri galti se. First of all, it's very, very important to admit and accept your failure, that I have failed, rather than giving excuses. Kyunki jab hum fail ho gaye aur humne ye failure ko accept kiya, tabhi hum is pe kaam karenge aur seekhenge ki kaise kar sakte hain. Right? Yes. So first is, fourth point is accepting that you have failed. And it is okay to fail. Accepting that failure, to fail in life is okay. Okay, yeah, Kritika.
मैम जैसे कुछ लोगों को मैम जब रिजेक्ट हो जाते हैं वो मैम उनको और बोल रहे थे यार। हाँ मैम मैं वो बोल रही थी कि मैम जैसे अगर हमें कुछ ऐसा काम जो हमें पसंद नहीं है तो हम उसे कभी करते नहीं है, बट मैम हमें जो चीज हमें काम करने में कभी मजा नहीं आता मैम हमें वो भी करके हमें एक बार देखना चाहिए कि क्या हम उनमें पास हो सकते हैं। 1% भी अगर हम पास हो सकते हैं तो मतलब हम उसको अच्छे से कर सकते हैं और बेटर तरीके से कर सकते हैं। राइट, सो एज शी राइटली सेड, जो चीज पसंद भी ना आए ना तो उसमें भी कोशिश करने में कुछ बुरा नहीं है। जैसे हम अगर हमें करेले नहीं पसंद, राइट, पर फिर भी अगर हम खाते जाएंगे ना, खाते जाएंगे धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके, वो अपने आप पसंद आने लग जाता है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज नॉट टू गिव अप अनदर वे। या व्हाट अनदर मेथड्स? मैम मैंने करेले का जूस पिया है। या मैम मैंने करेले का जूस भी पी रखा है। अ लिटिल करेले का जूस पीते हो आयुषी तुम? मैम कभी पापा वॉक पे ले जाते हैं संडे को साइकिलिंग करने, तब पार्क के पास ही एक स्टॉल आता है। ओके मैम यू कैन हैव करेला का जूस, दैट्स अ वेरी गुड थिंग बिकॉज़ आई कांट। मैम वी शुड चेक आउट आवर मिस्टेक्स एंड वर्क ऑन इट। Very good. We should check our mistakes and work on it. That is how you can overcome rejection. You never give up. That is how you can. And first of all, face your fear. Face your fear. Very, very important. A lot of time, hamara dar hai, biggest reason for rejection. And never fear from trying. Right, fear from trying. So you should keep trying. You should have a positive attitude. You should look at the brighter side in life. You should practice, participate, learn from your mistakes. Yeah? मैम हमारे अंदर मतलब जो हम सोचते हैं कभी कभार कि अगर मैं दोबारा करूंगा तो ये होएगा ही नहीं, तो छोड़ो मैं नहीं करता, तो वो उस नेगेटिव चीज को भी हटाना होता है सबसे। राइट, एंड हाउ विल दैट हैपन? व्हेन यू बिलीव इन योरसेल्फ। एंड यू बिलीव इन योरसेल्फ क्योंकि जब तुम खुद पे भरोसा नहीं करते, कोई तुम पे भरोसा क्यों करे? यस और नो? अगर मैं खुद पे भरोसा ही नहीं करती तो तुम मेरे पे भरोसा कर पाओगे कभी? अरे खुद पे ही भरोसा नहीं है, क्या भरोसा करके? बिलीव इन योरसेल्फ। राइट, सो द इम्पोर्टेंट थिंग इज फर्स्ट यू नीड टू बिलीव इन योरसेल्फ सो दैट अदर्स कैन बिलीव इन व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। या वंशिता मैम, मैम तो एक फियर हम सबके मन में होता है कि लोग क्या करेंगे, हमें इसके लिए डरना चाहिए। वी शुड ऑलवेज कम अहेड एंड ट्राई। आई एम सॉरी आई डिडंट हियर यू द फर्स्ट हाफ, आई डिडंट हियर। मैम यस मैम, तो एक फियर हमें होता है कि लोग क्या करेंगे, हमें उससे नहीं डरना चाहिए। वी शुड ऑलवेज कम अहेड एंड ट्राई। राइट, वेरी गुड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट अबाउट द बॉयज? धैर्या कुछ तो बोल दो। मैम मेरे को एक स्टोरी सुनानी थी। मैम यू आर म्यूटेड। मैम यू आर म्यूटेड। या टेल मी धैर्या वन मोर पॉइंट। मैम व्हाट इज द क्वेश्चन? एक पॉइंट दे दो। How can you? Okay, let's not. We have done given enough ways. Now tell me, what are the benefits? Agar hum rejection ko positively handle kare, to hamare liye kya fayda hai? We learn new things. We'll be successful. Darius is saying some. Wait for people to speak. Yeah. Kya fayda hai, Darius? Mom, we learn new things from rejection. I didn't hear you.
And we learn new things from rejection. Very good. And when you learn new things from rejection, then what happens? You are gaining knowledge. So the first important thing, benefit, is you gain knowledge. Very good, Dharia. Yash Talwar, second point. अगर हम rejection को positively handle करें, तो क्या फायदा है हमारे लिए? Yes, ma'am. अगर rejection को positively handle करें, तो क्या फायदा है हमारे लिए? मैम तो हमें मैम एक ना एक दिन मैम सक्सेस मिल जाएगी अगर हम उसे पॉजिटिवली हैंडल करेंगे तो. Thank you very much. So you will achieve success in life. Very good. The third point, Ayush Sharma. अगर हम rejection को positively handle करें, क्या फायदा है बेटा हमारे लिए? ये कि हम उससे और आगे बढ़ पाएंगे और भी और आगे सक्सेस पाने की हमारे अंदर जब भी एक रहेंगी. ओके, अगर आयुष रिजेक्ट होता है और बार बार कोशिश करता है, ठीक है, और आगे जाके ना आयुष सक्सेसफुल बनता है, तो आयुष सभी को क्या कर रहा है? I say, I and M say, what are you doing? You are inspiring others. You are motivating other people to be like you. Yes or no? मैं वो उन सभी लोगों को motivate करेगा जो reject हो चुके हैं. Right, that is the third point. Number fourth benefit. मैम. Yeah, Diya. मैम हम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे. या यू विल बिकम स्ट्रॉन्ग. एंड जब तुम स्ट्रॉन्ग बनोगे तुम्हारे लिए क्या फायदा है? मैम फायदा ही तो है. क्या है जब स्ट्रॉन्ग बनोगे? मैम वी विल फेस द वर्ल्ड इन अ बेटर वे. व्हाट इज द बेनिफिट इफ यू आर स्ट्रॉन्ग? मैम हमें कमजोर नहीं करना चाहिए. यू विल गेट बेटर रिजल्ट्स इन लाइफ. यस और नो? You become perfect, you become more efficient, and people will what will happen to people? You inspire people. You create a good impression about yourself. Ki dekho, kitni amazing hai Tejal, right? So you create a good impression about yourself. So on this note, we have come to the end of today's workshop. In the next workshop, we'll play a game, which I'll find for you an interesting one. Vanshika, I'll listen to your story in the next class, okay? So till then, happy Navratri. Have a lot of fun during your holidays. And work. Enjoy a lot, okay, in this vacation. Take care. Bye. Bless you. Ma'am, please, ma'am. Homework. Have a good day. Have a nice day, ma'am. Bye. Bye. Ma'am, homework kuch nahi hai. Nahi, kuch nahi hai. Enjoy your chuttiyan phir. Ma'am, koi interesting de do na. Bye, ma'am. Interesting sa koi homework. Interesting sa koi homework. Yes, ma'am. Okay. Hold on. Give me a second, okay? मैं interesting सर homework ही ढूंढ रही हूँ, जो तुम्हें अच्छा भी लगेगा करने में, because it does not require brain. Give me a second, okay?
give me a minute. No problem, ma'am. Okay, what I'll do is, who is your teacher, children? Deepmala ma'am. I'll go ahead and send your homework. I'll find something creative and interesting for you, okay? And you'll show me after the holidays. So you can do it whenever jab bhi free time hoga, okay? I'll find something interesting for you and I'll send it to Deepmala ma'am. Ma'am Anjali ma'am. Ma'am, sabke alag alag sections different hai to class. Ma'am Deepmala ma'am for the class 7.